हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति वारी। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ड्राई स्किन पे ओलिविया ब्लीच कैसे वर्क करता है, कैसे अप्लाई करना चाहिए। और मैं खुद से अपना ब्लीच करने वाली हूँ, तो सेल्फ जो ब्लीच करना चाहते हैं उनको ये वीडियो देख के काफी हेल्प मिलेगी। और कैसे स्किन पे कितना देर तक कैसे अप्लाई करना चाहिए, सांवले मीडियम कलर पे, डार्क कलर पे एंड बहुत ज्यादा गोरे लोगों पे कितना एक्टिवेटर, कितना क्रीम, कैसे क्या यूज करना चाहिए। अगर क्रीम थोड़ी सी सूखी आ जाए तो उसके लिए आपको क्या मिक्स करना चाहिए, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये मेरा ब्लीच करने के बाद का स्किन है, तो कैसे ब्लीच अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, सब कुछ आपको वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दीजिए। साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल जाए। और भरपूर लाइक कीजिएगा। और एक और मेरा चैनल है इंडियन यूट्यूबर प्रीति तिवारी, जिस पर मैं अपनी ब्लॉग वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप लोग को ब्लॉग में इंटरेस्ट हो तो उस चैनल पर जाइए, चैनल को देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और उस चैनल को भी ग्रो करवा दीजिए। इंस्टा आई डी प्रीति तिवारी 24 है, तो जाके फॉलो जरूर कर लीजिएगा अच्छी अच्छी रील्स वीडियोज देखने के लिए। एंड फोटो पिक्स वगैरह मैं अपलोड करती रहती हूँ, तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओलिविया ब्लीच कैसे अप्लाई करना चाहिए। सिर्फ 45 रुपये में आपको डिब्बी मिल जाएगी, दो आदमी आराम से कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलिविया ब्लीच ये छोटा वाला पैकेट आपको मिल जाएगा 45 रुपीज में। यहाँ पे आपको MRP दिख रही होगी इसकी। और ये नेचुरल चीजों से बनता है, तो आप ऑल स्किन टाइप है और सेंसिटिव स्किन वाले अक्सर ब्लीच नहीं कर पाते हैं तो वो भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हल्दी, चंदन, एलोवेरा, नींबू, ये नेचुरल आप घर पे भी मिक्स करके पैक वगैरह बनाते हो तो सेंसिटिव स्किन पे भी ये काफी अच्छा वर्क करता है और कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। आप चाहो तो सेंसिटिव स्किन वाले अगर ब्लीच करना चाहते हैं, काफी डरते हैं ब्लीच करने से, तो वो ओलिविया ब्लीच कर सकते हैं, क्योंकि मेरी स्किन भी काफी हद तक सेंसिटिव है और मैं ओलिविया ब्लीच ही अप्लाई करती हूँ। वैसे जल्दी जल्दी ब्लीच नहीं करना चाहिए जिसकी ड्राई स्किन है उसको, क्योंकि ड्राई स्किन पे झुर्रियों की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है और जो उसके एक्टिवेटर होता है वो स्किन को बहुत, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड केमिकल होता है जो कि स्किन पे बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट डालता है ड्राई स्किन वालों के लिए। तो ड्राई स्किन वालों को 2 से 2.5 महीने के बाद ही ब्लीच करना चाहिए, कम से कम 6 मंथ, मतलब कभी कभी आप कर लो। ऑयली स्किन वाले आप 2 महीने पे कर सकते हो, लेकिन ड्राई स्किन वाले कभी कभी ओकेजनली ही करना चाहिए, हमेशा आप ब्लीच नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी स्किन उम्र से पहले ही बहुत ज्यादा, जैसे एज बहुत ज्यादा दिखने लग जाएगी उनकी। तो ओलिविया ब्लीच चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे आपको बनाना है। तो अगर आप 45 रुपये वाला खरीद रहे हो तो आपको उसमें इतनी बड़ी डिब्बिया मिलेगी, ये देखो इतनी बड़ी डिब्बिया मिलेगी इसमें। आप, मैं खोल के दिखा देती हूँ कितने आदमी कर सकते हैं। ये 2 आदमी सिर्फ फेस पे करना है तो आप कर सकते हो, हम भी, मेरे को भी यहाँ पे 2 आदमियों के लिए बना रही मैं, तो पूरा ब्लीच मैं यहाँ पे ले लूंगी। इसमें एक इस टाइप का स्पून दिया होता है जिसकी मदद से आप आराम से ब्लीच को निकाल सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। आप ये सब चीजें मिक्स करने के लिए प्लास्टिक या कांच की कटोरी ही यूज कीजिए। पता नहीं इसमें कितने लोगों का होगा। वैसे तो आप अगर ये 45 रुपये वाली डिब्बा ले रहे हो तो 1 आदमी के लिए ही काफी है। अगर आप सिर्फ फेस पे कर रहे हो तो 2 आदमी भी कर सकते हैं, बट 1 आदमी के लिए ही इसमें दिया होता है पुनः। ओके, अगर आप बहुत ज्यादा गोरे हो तो आपको एक्टिवेटर थोड़ा सा ज्यादा लेना है, अगर आप बहुत ज्यादा सांवले हो तो कम लेना है, मीडियम कलर में हो तो मीडियम कलर से लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज्यादा गोरे हैं तो एक्टिवेटर ज्यादा क्यों लेना है, क्योंकि गोरे लोगों को तो कम लेना चाहिए, लेकिन गोरे लोगों पे अगर आप थोड़ा सा ज्यादा भी कर देते हो तो वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन सांवले लोगों पे अगर एक्टिवेटर ज्यादा करते हो तो उनके स्किन का जो हेयर होता है फेशियल हेयर वो बहुत ज्यादा ब्राउन हो जाएगा और स्किन टोन से काफी अलग दिखेगा। इसलिए आपको सामने लोगों पे कम टाइम भी रखना है और कम एक्टिवेटर भी यूज करना है। तो यहाँ पे मैं फेयर लोगों के लिए बना रही हूँ। तो जैसे आप सामने हो तो आपको इतना एक्टिवेटर लेना है। ओके, अगर आप थोड़ा सा मीडियम कलर में हो तो थोड़ा सा ज्यादा लोगे इतना, और थोड़ा और मीडियम में हो तो इतना लेना है, और बहुत ज्यादा गोरे हो तो आप इतना एक्टिवेटर ले सकते हो। कई लोग क्या करते हैं पूरी डिब्बी ही इसमें उलट देते हैं और यूज कर लेते हैं, फिर उनके फेशियल बहुत ज्यादा वाइट कलर में हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है वो, और स्किन पे भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेटर आप यूज कर लेते हो तो। अब आप इसको अच्छे से अप्लाई कर दो, मिक्स कर दो दोनों को। टाइट दे देता है, अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, तो आप थोड़ा सा पानी ले लो नॉर्मली,
हल्का सा पानी इसमें मिक्स कर दोगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा टाइट हो गया था इसलिए मैंने इसमें फिंगर अप्लाई किया है, फिंगर से मिला रही हूँ, लेकिन आप फिंगर नहीं लगाना इसमें क्योंकि कई बार स्किन सेंसिटिव होती है ना, तो आपके फिंगर पे भी पिंपल्स वगैरह निकल जाते हैं। मेरी स्किन पे भी काफी नुकसान करता है ये ब्लीच वगैरह। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स करोगे, तो ये ब्लीच मैंने रेडी कर लिया है। उसके बाद से आपको इसको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है। आप ध्यान दीजिए कि आईज के आसपास इसको बिल्कुल भी ना लगाएं क्योंकि आईज के आसपास ये नुकसान पहुंचा सकता है, बहुत ज्यादा केमिकल होता है जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो आईज के आसपास इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। फिंगर की मदद से या फिर आपको फेस पे अप्लाई करने के लिए ब्लीच ब्रश भी आता है। आपको पता है कि मैं बाहर आई हुई हूँ, अगर आप मेरा ब्लॉग चैनल देखते हुए, तो ब्लॉग चैनल का नाम इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी है, तो मैं बाहर आई हुई हूँ तो यहाँ पे मुझे पार्लर के प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मैं अपनी फिंगर से ही अप्लाई कर रही हूँ। अगर आप पार्लर में लगवाते हो या फिर फिंगर से भी सही रहता है, फिंगर से भी आप अप्लाई कर सकते हो, काफी ईजी होता है फिंगर से ही लगाना इसको। मैं फिंगर से ही लगाना पसंद करती हूँ। मुझे ब्लीच ज्यादातर सूट नहीं करता, बट मेरी स्किन बहुत ज्यादा अजीब सी दिख रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लीच कर लेते हैं। ब्लीच से ज्यादा ब्लीच का कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप ब्लीच कर रहे हो तो बहुत ज्यादा फेयर हो जाओगे या फिर बहुत गोरे दिखने लग जाओगे। बस ब्लीच का काम होता है आपके स्किन के फेशियल लेयर को आपके स्किन के कलर में लाना, और हल्का फुल्का सा आपके स्किन का कलर फेयर करता है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसको 6 महीने या फिर साल भर में ही एक बार कीजिए, और रात में कोई भी ऑयली क्रीम जरूर अप्लाई कीजिए फेस पे। तो इतना और बचा है, इतना एक आदमी पे और ये अप्लाई हो जाएगा, ओके। और जब आप ब्लीच लगा लेते हो तो हल्का सा इसको ऐसे मसाज कर दो, इससे क्या होगा कि ये अच्छे से आपके स्किन में जा पाएगा और अपना वर्क अच्छे से करेगा जब इसको आप ऐसे से मसाज कर देते हो तो। और आप बहुत ज्यादा गोरी हो तो टाइमिंग क्या होगी आपको ब्लीच रखने की, बहुत ज्यादा गोरी हो तो आपको 20 मिनट रखना है। थोड़ी सी मतलब बहुत ज्यादा गोरे जो एक मिल्की व्हाइट होता है, एक गेहुआ रंग होता है, उसके लिए 15 मिनट है। थोड़ा सांवले हो तो आप 15 मिनट वो भी रख सकते हैं, और बिल्कुल डार्क कलर में हो तो आपको 10 मिनट रखना है, ओके। तो मैं यहाँ पे 20 मिनट रखने वाली हूँ अपने फेस पे। ध्यान दीजिएगा आईब्रो पे और हेयर पे ना लगे, क्योंकि आईब्रो पे आपका आईब्रो ब्राउन हो जाएगा तो वैसे ही अच्छा नहीं लगेगा। मेरे आईब्रोज तो काफी ज्यादा लाइट है तो आईब्रो पे आपको नहीं लगाना है। फिर मिलते हैं आप 20 मिनट के बाद से, और फेस को रिमूव करते हैं, ओके। तो गाइस 15 मिनट हो चुके हैं, अगर आपको रोक दे कट करना पड़ेगा। तो गाइस 15 मिनट ये हो चुके हैं और मैं अभी रिमूव करने जा रही हूँ इसको अच्छे से वॉश करके, और फिर अब आती हूँ और देखती हूँ क्या ग्लो है, और फिर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वॉश करके फिर मिलते हैं। तो ये मैंने वॉश कर लिया है, थोड़ा कैमरा ऊपर कर वीडियो, और आप देख सकते हो मैंने इसको पोछा नहीं है। मैं किसी कॉटन कपड़े से आप लेके इसको अच्छे से सुखा लीजिए फेस को, और आपका ब्लीच डन हो चुका है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करा दीजिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। और इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी चैनल पर जरूर जाएगा, इंस्टा आईडी है PreetTiwari24, इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा PreetTiwari24, वहाँ पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो मेरी कॉमेडी डांसिंग एंड अदर वीडियोस देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं ख्याल रखिए, मुझे ऐसी सपोर्ट करती है। बाय बाय।